हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड तड़का बाय ईशा बख्शी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गजरेला हलवे की रेसिपी। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है और हलवा खाना किसको नहीं पसंद है, सबको ही पसंद है, तो क्यों ना इन सर्दियों के मौसम में बनाया जाए गजरेला। फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। फ्रेंड्स, गजरेला हलवा बनाने के लिए मैंने लाल गाजरें ली हैं और उनको मैंने अच्छे से पानी से धोकर छील कर रेडी करके रखा है और इन्हें मैं कद्दूकस कर लूँगी। फ्रेंड्स, और इतनी देर हम कद्दूकस करते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने स्टार्टिंग में ही 2 टेबल स्पून घी डाला है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और इतनी देर में हमारी गाजरें भी कद्दूकस हो चुकी हैं फूड प्रोसेसर में। तो अब हम गाजरों को कढ़ाई में डाल देंगे अच्छे से और हम सारी गाजरें जो हमने कद्दूकस करी हैं, ये कद्दूकस आप हाथ से भी कर सकते हैं और मैंने ये गाजरें फूड प्रोसेसर में कद्दूकस करी हैं, उसमें टाइम नहीं लगता और हाथ में भी इतना पेन नहीं होता है, वो फटाफट से हो जाती हैं। तो और अच्छे से हम गरम गरम घी में सारी गाजरों को रोस्ट करेंगे ताकि जो गाजरों का जो पानी है वो सारा सूख जाए। और उसके लिए उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही दूध उबाल कर और उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है और उस पर जो मलाई आएगी हम वो मलाई का भी इसमें यूज़ करेंगे। साथ के साथ हम कम से कम 15 मिनट तक हम घी में ही गाजरों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और हम आप देख सकते हैं अब इसमें कोई पानी नहीं रहा, तो ये मैंने दूध लिया है, ये 1/2 किलो दूध है और दूध पर जो मलाई आई है वो मलाई भी हम इसी गाजर गजरेला में डालेंगे। हम गजरेला में मावा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम ये जो मलाई वाला जो दूध है वो सारा हमने दूध इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखेंगे और अच्छे से हम इसको हिलाते रहेंगे। क्योंकि हम गजरेला बना रहे हैं तो गजरेला में हमें मावा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो हमने इसमें अच्छे से डाल दिया। और हमने स्टार्टिंग में जो घी डाला है वो घी हमने इसलिए इसमें डाला ज़्यादा क्योंकि जो गाजर का जो कलर है वो मेंटेन रहे, इसलिए हमने उसमें स्टार्टिंग में ही घी भी डाल दिया था और अच्छे से 15 मिनट तक उसे रोस्ट किया। और उसके बाद हम 1/2 आवर अब दूध में गाजरों को अच्छे से पका लेंगे, तो अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। साथ के साथ हम इस गाजरों को, और आप देख सकते हैं कि उबाला आना शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे लिड से और साथ के साथ हटाते रहेंगे और उसके बाद इसको हिलाते भी रहेंगे। तो ये मैंने 3 किलो गाजरें ली हैं जिसमें मैंने 1/2 किलो दूध डाला है, साथ में मैंने इसमें मलाई भी डाली है। फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको अच्छे से हम रोस्ट होने देंगे और इसको तब तक हम हिलाते रहेंगे जब तक ये दूध अच्छे से सूख ना जाए। आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाला भी आना स्टार्ट हो गया है, हमारी गाजरें बिल्कुल परफेक्टली रोस्ट हो चुकी हैं और दूध में अच्छे से पक भी चुकी हैं। और ये बिल्कुल राइट टाइम है कि हम इनको हिला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें इन्हें कंटिन्यूस हिलाते रहना है ताकि हमारी गाजरें साथ ना लग जाएं। और ये देख सकते हैं आपकी गाजरों का कितना अच्छा कलर भी आ गया है। तो हम अब इस टाइम पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हमारा दूध, ये जो हमने दूध इसमें डाला ये जब अच्छे से सूख जाएगा, आप देख सकते हैं ये सूख गया, तो हमने इसमें 1 कप शुगर डाली है, चीनी। आप मीठा ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप शुगर डाली है और साथ में मैंने इसमें पीसी हुई इलायची भी डाली है, इलायची पाउडर। और उसके बाद हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और चीनी डालने के बाद ये पानी छोड़ती हैं गाजरें फिर से चीनी, क्योंकि पानी छोड़ेगा, तो हम इसको साथ के साथ हिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसको साथ के साथ हम हिलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, जब तक पानी अच्छे सूख ना जाए तब तक हम गैस को ऑन ही रखेंगे।
सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा, गजरेला, मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गजरेला तो बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि गजरेला बनता भी है, क्योंकि अक्सर लोग गाजर का हलवा ही बनाते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी खूब सारा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू, किशमिश और खरबूजे के बीज यूज़ करे हैं फ्रेंड्स। और सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे इसके ऊपर खरबूजों के बीज। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सारी जो पानी है, जो चीनी ने भी जो पानी छोड़ा था वो भी सूख गया है। और फिर अब देर किस बात की है, हम गैस को अब का फ्लेम बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में अपने गजरेला को सर्व करेंगे गरम गरम। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।